शाहीनों ने कीवीज को काबू कर लिया। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से चली जाने वाली न्यूजीलैंड की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। आसिफ अली की धुआंधार बैटिंग, 3 छक्के 1 चौका लगाया, सिर्फ 12 गेंदों पर 27 रन बना डाले। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर टिम साउदी ने बाउंसर मारा जो आसिफ अली के हेलमेट पर लगा, लेकिन फिर भी आसिफ ने बैटिंग जारी रखी, विनिंग शॉट लगाया, पाकिस्तान को मैच जिताया। कप्तान बाबर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान ने भी अच्छा खेला, 33 रन बनाए। फखर, रफीज और इमाद 11-11 रन बना सके। फिर शोएब मलिक और आसिफ अली क्रीज पर इकट्ठे हुए और पाकिस्तान को जीत दिलवाई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कीवी बल्लेबाजों की एक न चलने दी। न्यूजीलैंड की टीम को मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 134 रन पर महदूद कर दिया। हारिस रऊफ ने 4 कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर्स में 1 खिलाड़ी को आउट किया, सिर्फ 21 रन दिए। हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को उड़ा कर रख दिया। मार्टिन कप्टिल, डेविन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सेंटर को आउट किया, 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन दिए। शानदार परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा लाहौर कलंदर्स और अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करते हैं। हसन अली विकेट तो ना ले सके, लेकिन कीवी कप्तान केन विलियमसन को रन आउट कर दिया। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि बैटिंग और फील्डिंग के अलावा बॉलिंग भी अच्छी हुई। न्यूजीलैंड ने हमारे प्लान से 10 रन ज्यादा बना लिए। आसिफ अली ने अच्छा मैच फिनिश किया। इस इवेंट में हर मैच प्रेशर वाला होगा। कोशिश है कि हर मैच के तीनों शोबों में परफॉर्मेंस दी जाए। बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा मैच और बड़ी स्क्रीन, पाक न्यूजीलैंड टाकरा देखने का मजा 2 आतिशा नहीं से हातिशा हो गया। शायकीन कहते हैं कि मौका और धोखा देने वाली दोनों टीमों को मज़ा चखा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स, कीवीज की विकटें गिरने, पाकिस्तानी बल्लेबाजों के छक्कों और जीत पर खूब जश्न मनाया। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड पर फतह के बाद नित नए मीम्स ने जीत का मजा दोबाला कर दिया। एक मंचले ने मोदी और जैसिंडा आर्डन की तस्वीर शेयर की, जिस पर मोदी की जानिब से मुकालमा तहरीर था, बाजी आप भी हार गईं। जवाब में न्यूजीलैंड की वजीर आजम से जुमला मंसूब किया गया, हम तो हारे हैं, आप तो जलील हुए हैं। एक क्रिकेट फैन ने लिखा, पाकिस्तान में 135 का पेट्रोल नहीं मिलता, न्यूजीलैंड वाले वर्ल्ड कप लेने आ गए। कीवी कप्तान के रन आउट की तस्वीर पर जुमला लिखा गया कि बोला था बाहर ना निकलना, सिक्योरिटी बहुत सख्त। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड पर फतह के बाद अदाकारा मीरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर तबसरा किया कि न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में बात करते हुए मीरा ने कहा कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हल्का लिया था, मगर अल्लाह का करम हुआ कि उसी न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हरा दिया। मुश्किल हरीफ के खिलाफ मुश्किल मैच जीतकर एतमाद मिलता है। रमीज राजा कहते हैं कि आज इसी का मुजाहरा करके अगले मैच पर नजर रखें। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई मैच हल्का नहीं लें, खासतौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ। मुश्ताक अहमद ने कहा कि इमाद वसीम को आसिफ अली से पहले भेजने का फैसला अच्छा था। बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी की है, कप्तान ने बॉलर्स को सही जगह इस्तेमाल किया।
मुबारकबाद टीम पाकिस्तान, एक बार फिर शानदार बोलिंग। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी टीम की सेल्फी शेयर कर दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी की यकीन दहानी ग्राउंड से बाहर दी थी, अंदर नहीं। ग्राउंड के अंदर आपको हमारे खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सबको अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद, वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की भी मुबारकबाद। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात। वजीर आजम ने तकरीरी की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। तकरीरी का इतलाक 20 नवंबर से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक बतौर DGISI फराइज अंजाम देते रहेंगे। तर्जमान वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम ने वजारत दिफा से मौसूल फहरिस्त में मौजूद मुजवजा अफसरान के इंटरव्यूज़ किए। वजीर आजम और आर्मी चीफ में मुशावरत का फाइनल राउंड हुआ, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर DGISI तकरीरी की मंजूरी दी गई। नामजद DGISI 20 नवंबर 2021 को चार्ज संभालें। तब्दीली से तैनाती तक, तकरीरी से नोटिफिकेशन तक, जंग, जियो और द न्यूज़ सबसे पहले सबसे आगे। DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन सबसे पहले जियो न्यूज़ ने नशर किया। वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात, खबर देने में जियो न्यूज़ सबसे आगे रहा। यह खबर भी सबसे पहले रोजनामा जंग और द न्यूज़ ने 14 अक्टूबर को दे दी थी कि DGISI की तैनाती के लिए वजीर आजम अफसरान के इंटरव्यूज़ करेंगे। उसकी तस्दीक वजीर आजम हाउस के इलामी से हो गई। DGISI की तैनाती के लिए वजीर आजम और आर्मी चीफ में मामला तय पा गए। ये खबर भी जंग ग्रुप ने 13 अक्टूबर को शाया कर दी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए मुआशी इमदाद का पैकेज, ज़र मुबादला ज़खायर की बेहतरी के लिए 3 अरब डॉलर देने का फैसला। वजीर आजम के दौरे के बाद बड़ा इकदाम, सऊदी तरक्याती बैंक रकम स्टेट बैंक को देगा। तेल खरीदारी में भी मदद देने का ऐलान, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रवा साल तेल खरीदारी के लिए फराहम किए जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कालेदम तंजीम का बड़ा मुतालबा फ्रांसीसी सफीर की वापसी है। फ्रांसीसी सफीर के सिवा तमाम मसाइल पर इत्तेफाक है। फ्रांसीसी सफीर को निकाला गया तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कालेदम तंजीम ने कहा कि ट्रैफिक खोल देंगे, लेकिन अभी तक नहीं खोली। मुरीदकी में GT रोड पर कालेदम तंजीम के मुजाहरीन का धरना जारी। मुजाहरीन को रोकने के लिए वजीराबाद में GT रोड पर 10 फुट गहरी और कई फुट चौड़ी खंदक खोद दी गई थी। कंटेनर गाड़ियों और कारकुनों के GT रोड से आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, शहरी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किल। अवाम पर महंगाई के 3 और बम गिर गए। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में नवंबर से 69 पैसे फी यूनिट इजाफा। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 10% बढ़ा दिया। फ्रेट ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा। इंटरबैंक में $84.84 महंगा होकर $175.27 पर बंद हुआ। रवा माली साल में $17.73 बढ़ चुका, इस साल $22.92 महंगा हो चुका। महंगाई के खिलाफ पंजाब असेंबली के अरकान का एहतजाज, अरकान सब्जियां और रोटियां उठा लाए, महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। रुकन असेंबली राहिला खादिम चूड़ियां ले आईं। MPA मिर्जा मोहम्मद जावेद असेंबली इजलास में शिरकत के लिए साइकिल पर पहुंचे। कहा कि इमरान खान कहते थे कि साइकिल पर पार्लियामेंट जाएंगे, इमरान तो नहीं गए, लेकिन वो खुद साइकिल पर पंजाब असेंबली आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में JUIFA के अकलीती रुकन रंजीत सिंह मोटरसाइकिल पर असेंबली पहुँचे। कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, गाड़ी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कायदे हिज़्ब इख़्तिलाफ़ शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत, LPG और दीगर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे की पार्लियामेंट के अंदर भरपूर मुखालफत करने का ऐलान। कहा कि टैक्स पर टैक्स और महंगाई पर महंगाई अवाम के बुनियादी आइनी और मौशी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि इदारा शुमारियात के मुताबिक तबाही सरकार ने महंगाई के 70 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि बदतरीन महंगाई के सुनामी ने अवाम को निचोड़ कर रख दिया।
बलूचिस्तान में जारी बहरान हल हो गया। चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी और परवेज खटक की कुदूस भदिंजो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि BAP के तमाम अरकान इकट्ठे हो गए हैं, उनकी रंजिश दूर हो गई। जहूर बुलेदी कहते हैं कि चेयरमैन सैनेट और परवेज खटक ने बहरान खत्म कराने में मुस्बत किरदार अदा किया। जल्द असम्बली के अजलास बुलाकर कायदे ऐवान और स्पीकर का चुनाव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के नस्ला टावर को गिराने की तैयारी। बिजली, पानी और गैस के कनेक्शंस काट दिए गए, लिफ्ट बंद, मकीनों का फ्लैटों में आना जाना मुश्किल, किसी के बच्चों के इम्तहानात और किसी के घर में कोई मरीज मौजूद, सब आने वाले वक्त से परेशान। कमिश्नर कराची के मुतालिक हुकाम के साथ कमिश्नर ऑफिस में बैठक। नस्ला टावर को कंट्रोल धमाके से गिराने के लिए अखबारात में इश्तहार देने के माहिर कंपनियों की खिदमात लेने का फैसला। कि इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में PECHS सोसाइटी में ग्रीन बेल्ट पर कब्जे से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन बेल्ट क्लियर कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रिड स्टेशन के खिलाफ मकीनों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए खुद नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि MLI मनसूबे का जल्द आगाज़ पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स विजन की तकमील करेगा, अफगान अवाम को मुआशी मसाइल से निकालने के लिए दुनिया किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी सदर को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी से तहरान में मुलाकात। कहा कि आलमी बिरादरी अफगान भाइयों की मुआशी मुआवनत को यकीनी बनाए। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इनखला के बाद पाकिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान अमरीका को फजाई रास्ता फराहम करता आ रहा है। अमरीकी मुआवन वज़ीर दिफा कोलिन कोहल का सेनेट कमेटी में बयान, कहा कि फजाई राहदारी के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदी पनपे। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर तआवुन अच्छा चल रहा है। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा है कि मसला कश्मीर के असल फरीक कश्मीरी हैं, जिनकी राय मुकदम होनी चाहिए। बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट को खत्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, मसले के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना पाकिस्तान की जीत और हारिस रऊफ की कारकर्दगी पर खुश। कहा कि हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड की बैटिंग के परखचे उड़ाए। हारिस रऊफ की कारकर्दगी हमारे प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की कामयाबी का सबूत है। लाहौर कलंदर्स मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को ऐसे हीरे फराहम करता रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 144 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। और T20 वर्ल्ड कप में शरीक जनूबी अफ्रीकी टीम तनाजे का शिकार हो गई। जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डी कॉक ने यूनाइटेड अगेंस्ट रेसिज्म मुहिम में घुटने पर बैठकर यकजहती का इजहार करने से इनकार कर दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच से दस्तबरदार हो गए। क्रिकेट साउथ अफ्रीका का कहना है कि क्विंटन डी कॉक हिदायत मानने को तैयार नहीं, उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला मैनेजर की रिपोर्ट पर किया जाएगा।